हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप अपने क्रोम को डिसेबल कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रोम डिसेबल नहीं हो रहा है तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप अपने क्रोम को होल्ड करें। अगर आपके क्रोम पे ये जो डिसेबल वाला ऑप्शन है ये आ जाता है तो और ही बढ़िया बात है, और अगर आपके क्रोम पे ये डिसेबल वाला ऑप्शन नहीं आता है तो आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ओके गाइस, तो आपको करना ये होगा कि सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स आपको दिख रही होगी वो रही, तो उन सेटिंग्स में आपको सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, और फिर उसके बाद आपको सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद अपनी ऐप्स नोटिफिकेशन में जाना होगा। ये जो ऐप नोटिफिकेशन आ रही है, फिर उसके बाद किसी किसी में तो दबाने के बाद पूरी ऐप्स आ जाती हैं, तो फिर उसके बाद वो कर लेते हैं। पर अगर किसी के में पूरी ये नहीं आती है तो आपको ऑल ऐप्स पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप ऑल ऐप्स पे क्लिक करते हैं इसी ऑल ऐप्स पे, तो फिर ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको इस इंटरफेस में क्रोम को ढूंढना है। तो गाइस, मैं क्रोम को ढूंढ लेता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो ये क्रोम मुझे दिख चुका है, तो इस क्रोम पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर उसके बाद आपको जो डिसेबल का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। डिसेबल पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, फिर आपको डिसेबल पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद डिसेबल पे क्लिक करते ही आपका क्रोम डिसेबल हो चुका है। तो ओके गाइस, अब हम होम पेज पर आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा क्रोम यहाँ पर नहीं है। तो गाइज, हमारी वीडियो आज के लिए इतनी ही थी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और गाइज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप पे सबसे पहले पहुंचने के लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। ओके गाइज, हम चलते हैं, गुड बाय।